कोटा में रह रहे कोचिंग कर रहे बिहार के स्टूडेंट्स घर जाने के लिए हर मंच पर आवेदन, निवेदन और प्रार्थना कर चुके हैं। हर जगह आवाज उठाने के बाद अब थक हार कर छात्रों ने अनशन की राह अपनाई है। अपने हॉस्टल में ही स्टूडेंट्स उपवास कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर वे बिहार सरकार से घर बुलाने और परिवार के साथ रहने के लिए निवेदन कर रहे हैं। महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाते हुए स्टूडेंट्स बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो का संदेश भी दे रहे हैं, क्योंकि देश में उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। बता दें कि कोटा में बिहार सहित 8 राज्यों के 15,000 कोचिंग छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये सभी अब अपने घर जाने की बात अपनी सरकार को यहाँ से जाने की मांग कर रहे हैं। मुझे बहुत ही मेंटल डिप्रेशन आ रहा है। सभी बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, सभी जितने बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि गुजरात, जैसे कि आपको MP हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, सबके सारे बच्चे जा रहे हैं यहाँ से, सारी गवर्नमेंट ले जा रही है, बट हमारी गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं ले जा रही। और हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी हमें यहाँ से ले जाए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम में, मतलब कि बहुत ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है कि हमारे बच्चे वहाँ अकेले हैं, कैसे होंगे, कैसे खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा। मेरी मम्मी बहुत ही रोती हैं कि कैसी होगी।